कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, माणम मद्दव या जिने, आदमी के भीतर अहंकार की वृत्ति होती है, अहंकार की वृत्ति जो साधना के क्षेत्र में एक पलिमंथु होती है, शत्रु होती है, न केवल साधना के क्षेत्र में, व्यावहारिक जगत में भी अहंकार शोभायमान नहीं होता है। अनादिकाल से हमारे भीतर अहंकार का संस्कार है। आदमी दूसरों पर अधिकार जमाना चाहता है, दूसरों को अपने अधीन रखना चाहता है, स्वयं किसी के अधीन रहना नहीं चाहता और दूसरों को अधीन रखना चाहता है, यह जो वृत्ति है अहंकार है। इस वृत्ति को कैसे खत्म करें? शास्त्रकार ने उपाय बताया, मद्दव या जिने, मार्दव के द्वारा मान को जीतना चाहिए। अहंकार विनय का नाश करने वाला होता है, तो विनय अहंकार का नाश करने वाला होता है। विद्यार्थी में विनय नहीं है तो ज्ञानाराधना में कुछ बाधा पैदा हो सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन है। कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो तीन बातों पर ध्यान दो। प्रणिपात, गुरु को प्रणाम करो, गुरु के सामने झुको, प्रश्न करो, जिज्ञासा करो। जिज्ञासा ज्ञान जननी, जिज्ञासा ज्ञान को पैदा करने वाली होती है। तो प्रणिपात जिज्ञासा, और तीसरा उपाय बताया गया सेवया, गुरु की सेवा करो। तो तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष तुम्हें तत्व का उपदेश दे देंगे। संस्कृत वाङ्मय में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, विनयशील होता है, वृद्धों की उपासना करने वाला होता है, हमेशा वृद्धों की सेवा करने वाला, उपासना करने वाला, उसके चार बातों का विकास होता है, वृद्धि होती है, आयुष्य की वृद्धि, विद्या की वृद्धि, यश की वृद्धि और बल की वृद्धि। विनय में एक शक्ति होती है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर।
जो आदमी लाघव को स्वीकार करता है, झुकता है, विनम्र होता है, उसको प्रभुता, महानता, स्वामित्व मिलता है। और जो बड़ा दिखाने का प्रयास करता है, उससे प्रभुता दूर चली जाती है। रावण मरणासन्न था। रामचंद्र जी ने कहते हैं कि लक्ष्मण से कहा कि भैया, ठीक है रावण हमारा शत्रु तो है, परंतु रावण के पास विद्या भी है। रावण को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है, वह भी एक पक्ष है, परंतु विद्या की दृष्टि से रावण काफी आगे बढ़ा हुआ भी था, विद्वान व्यक्ति था। और एक समय तो वह था जब रावण के संकल्प था और एक उदात्त चिंतन था कि परस्त्री की तो इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, पुरुष पनोता जे हुए। तो उत्तम पुरुष होते हैं, वे परस्त्री की वांछा भी नहीं करते, यह बात रावण ने कही थी। रावण के यह भी संकल्प था कि न चाहने वाली अनइच्छन की नारी के साथ मैं बलात्कार नहीं करूंगा। यही कारण रहा होगा कि सीता जी का अपहरण कर लेने के बाद भी और कोई दुष्कृत्य रावण ने सीता जी के साथ नहीं किया, परंतु सीता जी का हरण कर लिया, यह भी तो एक बड़ी गलती हो गई और रावण बदनाम हो गया। इतना विद्या संपन्न, ज्ञान संपन्न होने पर भी चरित्र में कमी आ गई, तो आज रावण अवहेलना का पात्र बना हुआ है। अब कोई कोई रावण को महत्व भी दे सकते हैं और अवहेलना भी की जाती है। रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, अब रावण तो मरने वाला है, तुम जाओ, मरते मरते इससे कुछ ज्ञान विद्या ग्रहण कर लो। लक्ष्मण जी सिर के पास गए और रावण से कहा कि मुझे विद्या दो। रावण ने विद्या नहीं दी तो फिर पैर के पास जाकर के बोले, सिर के पास जाना तो थोड़ा एक विनय का अतिक्रमण है, फिर पैर के पास जाकर बोले। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए विनम्रता का व्यवहार वांछनीय होता है। ज्ञान मिल जाए तो ज्ञान का भी अहंकार नहीं करना चाहिए, न जाति का अहंकार करना चाहिए, न कुल का अहंकार करना चाहिए, न बल का अहंकार करना चाहिए, न लाभ का अहंकार करना चाहिए, न श्रुत का अहंकार करना चाहिए, न सत्ता का अहंकार करना चाहिए, न तपस्या का अहंकार करना चाहिए, न रूप का अहंकार करना चाहिए। परंतु कभी कभी आदमी अहंकार में चला जाता है, रूप का भी अहंकार हो जाता है, ज्ञान का भी अहंकार, तपस्या का भी अहंकार। रूप अच्छा होना एक बात है, गुणवत्ता न हो तो कोरा रूप क्या करेगा। राजा बैठा था और मंत्री पास में आसीन था, तो राजा कह रहा था कि भी रूप का भी बड़ा महत्व है, रूप अच्छा होना चाहिए। देखो मंत्री जी, तुम्हारा रूप सुंदर नहीं है, अगर आपका रूप सुंदर होता तो कितना क्या हो जाता, आप कितने महत्वपूर्ण बन जाते। मंत्री जी ने कहा कि महाराज, रूप का थोड़ा सा महत्व तो हो सकता है, पर ज्यादा महत्व आदमी के गुणों का होता है, रूप का इतना महत्व नहीं है। राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, रूप का बड़ा महत्व है। तो कहा, ठीक है महाराज, आपका अपना चिंतन है।
थोड़ी देर में राजा ने कहा कि गर्मी है, प्यास लग गई है। तो मंत्री ने एक कर्मचारी से कहा कि देखो, एक सोने के कलश में पानी रखा हुआ है, वो पानी ला करके राजा जी को पिलाओ। वो सोने के कलश से पानी लेकर के सेवक आया। राजा ने मुंह में पानी लिया कि मंत्री ये तो ठंडा नहीं है पानी, प्यास बुझाने में असमर्थ है। तो मंत्री ने कहा सेवक से कि जो एक अपने मिट्टी के घड़े में कोरा घड़ा उसका पानी वो लेकर के आओ। वो लाया तो बिल्कुल ठंडा पानी, राजा ने पिया, कहा मंत्री अब प्यास बुझ गई, ठंडा पानी पी लिया। मंत्री बोला महाराज, पहले वाला पानी तो सोने के कलश का था, दूसरे वाला पानी तो मिट्टी के घड़े का है, तो रूप को देखें तो सोने के कलश का रूप ज्यादा सुंदर है मिट्टी के घड़े की अपेक्षा, परंतु प्यास बुझाने में समर्थ तो मिट्टी के घड़े का पानी हुआ ना। अब राजा समझा कि रूप का सर्वत्र इतना महत्व नहीं है, मूल बात है उपयोगिता और गुणवत्ता होनी चाहिए। तो आदमी अहंकार न करके अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करे कि मेरे में योग्यता बढ़े। स्वयं आयान की संपदा है, अगर पात्रता है, योग्यता है, तो कई बार संपदा तो खुद उसके पास आ जाती है, और योग्यता नहीं है, संपदा आ गई तो कैसे तो टिकेगी और कैसे उसका उपयोग होगा। धन का भी अहंकार हो जाता है, आदमी धनांध बन जाता है। मैं तो सुझाव देता हूं धनवान लोगों को कि आपके पास धन पैसा है तो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। पैसा लक्ष्मी चंचल है, आज है कल न रहे क्या पता, रहे न रहे वो भी गौण बात है, अहंकार नहीं होना चाहिए। चला लक्ष्मी ही चला प्राण, चलम जीवित यौवनम, चला चलित्र संसारे, धर्म एको ही निश्चल है। लक्ष्मी चंचल है, प्राण चंचल है, जीवन चंचल है, जवानी चंचल है, इस चलाचल संसार में एक धर्म ही निश्चल है, साथ चलने वाला होता है। तो धनवान लोगों को धन का घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है धन के प्रति ज्यादा आसक्ति मोह नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात है सुझाव के रूप में धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, गलत कार्यों में उपयोग नहीं करना चाहिए।